नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आ गई रिपोर्ट, इस वजह से मच रही तबाही, WHO ने बताई ये बड़ी वजह। साथ ही टेड्रोस ने यह भी कहा कि दुनिया में आज भी लगातार कोरोना के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जिन नियमों का पालन करने के लिए मैंने कहा था उनका पालन नहीं किया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अमेरिका और एशिया के कुछ देशों पर आरोप लगाते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस अधानोम गैब्रियस ने कहा कि दुनिया में कोरोना संक्रमण बढ़ने के खास जिम्मेदार यह है। इसके साथ ही टेड्रोस ने यह भी कहा कि दुनिया में आज भी लगातार कोरोना के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जिन नियमों का पालन करने के लिए मैंने कहा था उनका पालन नहीं किया जा रहा है। ये है बेहतर नियम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ सुरक्षा नियमों को जारी किया था जब कोरोना संक्रमण पूरी दुनिया में फैल रहा था और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि यदि इस संक्रमण को रोकना है तब तक वो पूरी दुनिया में सभी को इन नियमों का पालन करना होगा। मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बार बार समय से हाथ धोते रहें। इन नियमों का पालन करने के लिए लोगों को शुरुआत में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी लंबे समय तक मास्क का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने इसका महत्व माना और उसका खुद भी उपयोग किया और दूसरों से भी कराया। आखिर क्यों डर रहा है WHO? इन संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या के लिए टेड्रोस ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस पर अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने कोरोना से जुड़ी जानकारी छिपाई है। आखिर ट्रंप को क्यों दोष दिया जा रहा है इन सब का, आइए जानते हैं। दरअसल ट्रंप ने लोगों के घरों में बंद रहने और मास्क लगाने के लिए साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद लोग अपना रोज की तरह जीवन जी रहे थे, लेकिन उसी बीच इस बीमारी ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया। अपनी चिंता जाहिर करते हुए टेड्रोस ने कहा है कि अमेरिका और एशिया के कुछ देशों में WHO के जारी नियमों को ना मानने के कारण ही कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के बाद WHO अब ब्राजील के राष्ट्रपति को दोषी मान रहा है, क्योंकि दुनिया भर में इस वायरस से ब्राजील में सबसे अधिक मरने वालों की संख्या 75,000 है। ब्राजील के राष्ट्रपति भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क और लॉकडाउन का विरोध करते हैं। ये नियम है महत्वपूर्ण। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना बेहतर है। हालांकि इसके कोई गारंटी नहीं है कोरोना से बचने के लिए। अगर फिर भी इन नियमों का पालन करने के बाद भी किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है। यदि उसे समय पर इलाज मिल जाए तो यह संक्रमण बहुत घातक स्तर पर नहीं पहुंचेगा। इस संक्रमण का ज्यादा असर इसलिए नहीं होता है क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोरोना ड्रॉपलेट्स संख्या बहुत मामूली होती है। इस कारण आपके शरीर की इम्यूनिटी उस वायरस को खत्म करने का काम कर सकती है। आपको बहुत मामूली सिम्टम्स होंगे अगर आप इस वायरस के कारण बीमार भी पड़ते हैं तो, साथ ही आपके स्वास्थ्य की संख्या और अधिक ज्यादा हो जाएगी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वाले लोगों के मुकाबले।